आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आज आधार हर एक आधिकारिक काम में काफी उपयोगी है। अगर यूँ कहा जाए कि आधार कार्ड आज की जरूरत बन चुका है तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आधार हमारे लगभग सभी कामों के लिए बेहद जरूरी है। बैंक में खाता खुलवाना हो, सब्सिडी लेनी हो, गैस कनेक्शन लेना हो, राशन कार्ड बनवाना हो और यहाँ तक कि एक सिम कार्ड लेने के लिए भी आधार कार्ड का पास में होना अनिवार्य है। वहीं आधार कार्ड की जितनी जरूरत बड़ी है उतनी ही इसको लेकर फ्रॉड की खबरें भी सामने आती है। दरअसल बीते कुछ समय में जालसाज लोगों को आधार कार्ड के जरिए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आधार कार्ड को संभाल कर रखा जाए और कुछ बातों को ध्यान में रखने से फ्रॉड से बचा जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपकी कौन सी गलतियां आपके साथ फ्रॉड होने का कारण बन सकती है। हमारा आधार कार्ड हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए करते हैं, जिसमें बैंक के काम, इंश्योरेंस लेने के लिए पैच, इंश्योरेंस लेने के लिए, लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, किसी योजना के लिए और सब्सिडी लेने के लिए इत्यादि। ऐसे में कई लोग हर जगह पर और हर किसी के हाथ में अपना आधार कार्ड दे देते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में आपको खुद से ये ध्यान देना है कि आपको किसे आधार कार्ड देना है और किसे नहीं। उदाहरण के लिए जिम, रेस्टोरेंट या किसी स्टोर पर आधार कार्ड देने से बचे। ठगी करने वाले आजकल लोगों को केवाईसी करने के नाम पर ठग रहे हैं। ये पहले लोगों को कॉल करते हैं और फिर बैंक अकाउंट बंद हो जाने जैसी बातें कहकर डराते हैं। इसके बाद ये लोगों से उनकी आधार की जानकारी मांगते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। केवाईसी के लिए खुद बैंक में बात करें। माना आधार कार्ड लगभग हर एक काम के लिए जरूरी कर दिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना असली आधार कार्ड किसी के भी हाथों में दे दे, जहाँ भी हो इसकी फोटोकॉपी ही दे। आधार कार्ड की बढ़ती जरूरत के कारण हम न जाने कितनी जगहों पर अपना आधार इस्तेमाल करते हैं, ये हम खुद भूल जाते हैं। ऐसे में इस बात का फायदा जालसाज उठाते हैं। इसलिए आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आपको समय समय पर अपने आधार की हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। आज के डिजिटल समय में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। ऐसे में यूजर्स को इसे लेकर सावधानी बरतने की काफी जरूरत है। साथ ही UIDAI ने लोगों को ये सलाह भी दी है कि वे अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को हमेशा अपडेट करके रखें, क्योंकि आमतौर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड भेजकर ही आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।